हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षित। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर क्लास ऑफ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आज हम जो अपना एक टॉपिक नया शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओज। तो बेसिकली एनपीओज होते क्या है? एनपीओज कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने अभी जब लास्ट अपने कंसेप्ट कवर करे थे, उसमें हमने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करी थी, तो उसमें हमने देखा था कि कंपनीज जो एक्टिविटीज करती हैं वो दो मोटिव से करती हैं। पहला हमने देखा था प्रॉफिट, ठीक है। जब हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसमें हमने प्रॉफिट निकाला था या लॉस जो भी होता है, तो उस तरह की अकाउंटिंग में, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने क्या क्या प्रिपेयर किया था? हमने सबसे पहले प्रिपेयर किया था ट्रेडिंग अकाउंट, जो उनका लेन देन होता है, ट्रेडिंग होती है। उसके बाद हमने एक अकाउंट बनाया था पीएनएल अकाउंट, जिसे हमने प्रॉफिट, अपना जो रेजिडुअल प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करते थे, और एंड में हम बनाते थे बैलेंस शीट। लेकिन अब डिफरेंस क्या है? जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें हमारा जो मोटिव है वो प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होता है, राइट। हर एनपीओ के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट। वैसे ही उनका जो प्रॉफिट होता है वो उनका एजेंडा नहीं होता है। तो उस केस में हमें क्या बनाना होता है? उस केस में वो कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक बनता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, जिसमें एनपीओ की सारी रिसीट्स, ठीक है, जो कैश रिसीट्स हैं, जो पैसा आया और जो पैसा गया, वो सब कुछ इसमें कवर किया जाता है, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद अब चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो उसका भी हो रहा है, ठीक है। किसी एक्टिविटी में उनको इनकम हो रहा है, किसी में उनको एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, और एंड में बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिसकी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन मेन मेन वो प्रेजेंटेशन के लिए ही होती है, वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बचता था, उसे हम कहते थे प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। ऐसे ही जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं हम एनपीओ में, तो उसका जो बैलेंस बचता है उसे हम कहते हैं सरप्लस, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ये होगा सरप्लस, या फिर हमारे पास आएगा डेफिसिट, ठीक है। तो ये मेन मेन ये डिफरेंस होता है हमारा, जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये बेसिक साइन का डिफरेंस होता है। तो अब हमने इसमें कवर क्या करना है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसकी जो अकाउंटिंग है, जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, और जो बैलेंस शीट है वो किस तरह से बनती है, ठीक है। जो सारी चीजें हैं वो किस तरह से एनपीओ में रिकॉर्ड की जाती हैं, तो उसको हम एक एक करके हर ट्रांजेक्शन को, एडजस्टमेंट को देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास एक ट्रांजेक्शन आती है जिसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शंस। इसे हम साइड बाय साइड प्रेजेंटेशन भी प्रेजेंट करते रहेंगे। ये हमारा हो गया रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, सेम यहां भी डेबिट क्रेडिट, राइट। तो जो यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रिसीट्स एंड जो पेमेंट अकाउंट है वो एक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। हमारे पास जो भी पैसा आएगा, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेट करता हो, वो हम उसको जब आएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे हमारी रिसीट साइड के, या फिर अगर हमने पैसा दिया है तो वो पेमेंट साइड पे जब दिया है, ना कि जिस पीरियड से वो रिलेट करता है। इनकम एक्सपेंडिचर में ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड हो जाएगी और राइट साइड हो जाएगी इनकम साइड, ठीक है। चलिए, एक एक कर हम एडजस्टमेंट देखते हैं, या हमारे पास जो जो टर्मिनोलॉजी आती है, जो जो कंसेप्ट होते हैं, चीजें आएंगी हमारे पास एनपीओ में। तो सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कि जैसे कोई क्लब है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट क्लब है, ठीक है, एनिमल वेलफेयर के लिए है, तो वो पब्लिक उसको सब्सक्राइब करती है। उनका कुछ भी हो सकता है, उनकी वीकली कोई मैगजीन हो सकती है, कोई क्लब्स हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन, कि आपने एक तरह से मेंबरशिप ले ली उसकी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जब आप पे करेंगे तो
क्लब के पास जो होगा पैसा आएगा एनपीओ के पास, वो करेंगे कैश टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, अब पैसा आया तो जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारी रिसीट साइड पे आ जाएगी। यहां पर बैलेंस भी हो सकता है, कोई पुराना बैलेंस, या फिर ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है हमारे पास, अगर हमारे पास लोन चल रहा है कोई। ठीक है, ये हमारा अमाउंट मालूम होता है। चलिए ये भी इसको बाइफरकेट कर देते हैं। है, अब कैश तो हमने, पैसा आया, रिसीट तो हमने रिकॉर्ड कर ली, लेकिन ये हमारा है क्या? ठीक है, अब जो क्रेडिट आइटम है ये, इसकी दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये इनकम होगी या फिर ये लाइबिलिटी होगी। ठीक है, दो ही पॉसिबल ट्रीटमेंट होते हैं क्रेडिट साइड के, हमने हमारे अकाउंटिंग रूल्स में पढ़ा था। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन क्या है, क्लब का सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए? आप क्लब को एक सब्सक्राइब कर रहे हो तो उनका जो, उनके पास जो पैसा आया वो उनकी इनकम होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक एक उनका सोर्स ऑफ इनकम है, तो जो आपकी सब्सक्रिप्शन होगी वो इनकम साइड पर आ जाएगी इस साइड, और ये लाइबिलिटी नहीं होगी, इनकम होगी। राइट, सेकेंड हमारे पास जो चीज आ जाती है वो है एंट्रेंस फी। कोई क्लब है, किसी भी तरह कोई भी एक्टिविटीज होते हैं, कोई एजुकेशन क्लब है या कोई थिएटर क्लब है, वो जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं वो उसके लिए एंट्रेंस फी रखते हैं, तो सेम सेम एंट्री होगी, कैश टू एंट्रेंस फी। और एंट्रेंस फी क्या होगा, होगी भी ये इनकम होगी हमारी। इसको अब इधर मैं इनपुट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसके यहाँ ट्रीटमेंट लिख देता हूँ। एक तो डेबिट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट और क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, उसको आप समझ जाना कि किस रेलेवेंट अकाउंट में ये जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड आइटम हमारे पास क्या हो सकती है क्लब में, और क्या हो सकता है क्लब? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है उनका एक बहुत बड़ा, एक मेजर चीज होती है, वो क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए एक मिनट। डोनेशंस, ठीक है, जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा ह्यूज डोनेशंस आते हैं, अलग अलग लोगों से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि उनकी जो वर्किंग है वो सही ढंग से चलती रहे। अब डोनेशन में क्या होता है, डोनेशन दो तरह की हो सकती है। ठीक है, एक तो जनरल डोनेशन हो सकती है, आप मंदिर में गए आपने 100 रुपये दिए, ठीक है, वो होगी जनरल डोनेशन। एक हो सकती है स्पेसिफिक, आप कहीं गए आपने कहा कि इस जगह पर स्पेसिफिक ये काम करवा दीजिए, ठीक है, यहां पर एक पानी का टैंक लगवा दीजिए, तो वो हो गया स्पेसिफिक, दैट शुड बी स्पेसिफिक डोनेशन, कि उसका एक पर्पस है, उस पैसे से एक पर्टिकुलर पर्पस फुलफिल होना चाहिए। इस तरह की जो डोनेशन होती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, जो जनरल डोनेशन होती है उसका जो ट्रीटमेंट है वो सबसे, डेबिट तो होगा ही होगा क्योंकि रिसीट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, और क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये पैसा इनकम है। लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव की है वो डेबिट होने के बाद, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट होने के बाद, रिसीट रिकॉर्ड करने के बाद हमें उसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, और जब वो पर्पस फुलफिल होगा तब हम उसको इस लाइबिलिटी अकाउंट में से उसको एक्सपेंडिचर दिखा देंगे अपना। ठीक है, इसको हम इनकम नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक पर्पस मेंशन कर दिया गया है डोनेशन देने वाले व्यक्ति से। राइट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या अदर पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, जो आपके टाइम टू टाइम, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन्हीं चीजों को जो हमें पीरियोडिकल कहते हैं। इसकी जो इनकम होगी, जो इसकी सेल से, सरल भाषा में बताऊं तो रद्दी बेचना, ठीक है, इसकी जो सेल होगी वो हमारी डेबिट आएगा रिसीट एंड पेमेंट, क्योंकि पैसा आ रहा है, और क्रेडिट हो जाएगा
इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये हमारी इनकम है। जब हमने इसका सब्सक्रिप्शन लिया था तब पे किया होगा, लेकिन जब उसको रद्दी में बेचेंगे तो जो पैसा आएगा वो हमारा इनकम होगा। ठीक है, तो ये सब आइटमें जो है अभी हम रिसीट साइड वाली कर रहे हैं और इनकम साइड वाली कर रहे हैं। ठीक है, और बताइए एनपीओ में क्या मेजर एक चीज हो सकती है? एनपीओ को मिल सकते हैं ग्रांट्स, सरकारी पैसा। ठीक है, स्टेट आपको पैसे दे देती है आपके एनपीओ को कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी तरफ से कुछ फंड वेलफेयर में यूज कीजिए। ठीक है, तो जो ग्रांट होते हैं, अब इसमें भी ग्रांट भी दो तरह के हो सकते हैं, जनरल, छोड़िए इसको, ग्रांट को इस तरह से नहीं समझेंगे, ठीक है। चलिए, ग्रांट्स जो होते हैं वो काफी ह्यूज अमाउंट होती है यूजली। ठीक, जो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी वो यूजली काफी एक बड़ा अमाउंट देगी। ठीक है, छोटा अमाउंट नहीं होगा एज कम्पेयर टू योर एनपीओ, आपके एनपीओ के लेवल के हिसाब से। तो जो ग्रांट का पैसा होगा उसका जो पहला ट्रीटमेंट होगा वो तो डेफिनेटली यही होगा, डेबिट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि पैसा आया है। और क्रेडिट क्या होगा, क्या ये ग्रांट जो है वो हमारी इनकम है? देखिए, एक तरह से टेक्निकली देखा जाए तो इनकम तो है ही है, लेकिन जो ये ग्रांट्स होती हैं ये यूजली स्पेसिफिक इनका पर्पस होता है। तो उस वजह से अगर ये ग्रांट नॉन स्पेसिफिक है और स्मॉल अमाउंट है तो हम इसको लेंगे इनकम ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, उसको हम इनकम रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक है या फिर अमाउंट जो है वो बिग है तो जो ग्रांट है वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी और कैपिटल फंड में जो हमारा फंड है उसमें एडिशन कर दी जाएगी। ठीक है, यहां तक सब सही है? अगला जो हमारे पास एक मुद्दा है वो है लेगेसीज। अब लेगेसीज क्या होता है? लेगेसीज भी एक तरह से डोनेशन होते हैं। डोनेशन और लेगेसी में फर्क क्या होता है? डोनेशन जो है वो आप अपनी विल से करते हैं, आप अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन जो लेगेसीज है वो आप अपनी विल में छोड़ के जाते हैं। ये विल मर्जी वाला विल नहीं है, ये सीहत वाला विल है। ठीक है, जो पैसा आपने अपनी वसीयत में किसी एनपीओ के नाम लिख दिया उसे हम कहते हैं लेगेसीज। ठीक है, ये भी एक तरह से इसका जो अकाउंटिंग है वो ग्रांट की तरह ही करेंगे हम। अगर तो ये अमाउंट बिग है तो हम इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे लाइबिलिटी साइड, लेकिन अगर ये अमाउंट जो है वो स्मॉल है तो हम इनकम शो करेंगे इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, अब ये बिग और स्मॉल कैसे है? बिग और स्मॉल जो इसको डिफरेंशिएट करना है वो आपका एक मैटर ऑफ जजमेंट होता है। ठीक है, आपको जो वैल्यूज है वो देखनी पड़ेंगी कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है, जैसे सपोज कीजिए आपकी जो नेटवर्थ है एनपीओ की वो 100 करोड़ है, ठीक है, और जो आपके पास लेगेसी में पैसा आया वो 10,000 रुपीज थे। ठीक है, तो दैट इज नथिंग, आपकी जो एनपीओ की ट्रांजेक्शन है उसके कंपेरेटिवली ये नथिंग है, तो आप इसको स्ट्रेट अवे इनकम रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल, ये 100 करोड़ की आपकी नेटवर्थ थी, लेकिन जो पैसा आया आपके पास वो सब्सटैंशियली आप लगा लीजिए 1 करोड़ था या 10 करोड़ था, तो आप ये देख रहे हैं कि ये अमाउंट जो है ये सिग्निफिकेंट अमाउंट हो गया आपका, तो इस सिग्निफिकेंट अमाउंट को आप लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, यूजली आपको जो डिफरेंस है वो क्लियरली पता लग जाएगा क्वेश्चन में, राइट? चलिए, ये तो हमारे मुद्दे हो गए जो हमारे एक मतलब मेन जो इसमें है टर्म्स आते हैं अकाउंटिंग में, डिफरेंट टर्म्स। बाकी जो सिमिलर टर्म्स हैं जैसे कोई भी सेल ऑफ एसेट है, ठीक है, उनका जो ट्रीटमेंट है वो सेम उसी तरह से होगा, जो बुक वैल्यू और सेल वैल्यू का डिफरेंस है एसेट का, इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। अगर आपकी बुक वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, और अगर आपकी सेल वैल्यू ज्यादा होगी तो आपकी इनकम हो जाएगी, राइट? बाकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी
छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हम क्वेश्चंस के साथ साथ कवर करते रहेंगे। चलिए, जब ये सब तैयार हो जाएगा तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कि जब हम बैलेंसिंग करेंगे राइट अगर तो बैलेंस इस तरफ आता है हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये तो आप इसको तो आप लिखेंगे बैलेंस कैरेट डाउन, जो भी आपके एक्स वाई जेड अमाउंट है ये आपका हो सकता है कैश या बैंक, ठीक है, पैसा आपका कहीं भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड आता है, दैट मीन्स यू आर शॉर्ट ऑफ कैश, ठीक है, तो आपका ये जो बैलेंस कैरी डाउन होगा दैट विल बी ओवरड्राफ्ट, मतलब आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, या आपकी कैश क्रेडिट लिमिट चल रही है, जो भी एक्स वाई जेड, वो मतलब आपका जो पैसा है वो आप पैसे में आपके उस पैसा जो है वो कम है। और सेम वे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर अगर बैलेंस इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ हमारा सारी एंट्रीज थी, और जो बैलेंसिंग फिगर है अगर तो डेबिट साइड आती है, दैट मीन्स हमारे पास जो हमारी इनकम थी, इनकम जिस साइड थी वो ज़्यादा थी अपने एक्सपेंडिचर से, दैट मीन्स आपके पास जो फंड्स थे वो सरप्लस थे, तो वो जो बैलेंसिंग फिगर है वो सरप्लस के नाम से आ जाएगी, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अगर आपकी जो इनकम थी वो कम थी और एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे, तो जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बी कॉल्ड डेफिसिट, मतलब हमारे जो फंड्स हैं वो शॉर्ट रह गए हैं और वो डेफिसिट के नाम से जाने जाएंगे। राइट, आई होप इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम ना आई हो, ठीक है। तो आज के लिए आज की क्लास में हमारा इतना ही, ठीक है, अगली क्लास में हम बैलेंस शीट कवर करेंगे, ठीक है, जो जो हमने अभी लाइबिलिटी साइड जो चीजें छोड़ी थी उनको देखेंगे कि हम बैलेंस शीट में उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, और कुछ तीन चार एग्जाम्पल के साथ अपनी क्लास को समझने की कोशिश करेंगे इन सारे कंसेप्ट्स को। राइट, थैंक यू वेरी मच।